देखिए, कल मैंने आपको या पिछले दो दिन में आपको द्विघाती बहुपद के शून्य ज्ञात करना सिखाया। द्विघाती बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए रखना तो बराबर में जीरो ही है, पर रखने से पहले अंकित, अंकित इसका नाम अंकित है ना, अंकित नाम ना तुम्हारा, द्विघाती बहुपद के शून्य ज्ञात करने से पहले हमें उनके गुणनखंड तोड़ने पड़ते हैं। गुणनखंड तोड़ने की मैंने आपको मेथड बताई, कोई टफ काम तो है नहीं, पर एक्चुअल में क्या है बच्चों, कभी कभी सवाल इतना सरल होता है कि वो मेथड से नहीं करना होता। जैसे मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे अपन को ये सवाल है, 2x² + 7x + 5 = 0। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 2 है, एक्स का गुणांक क्या है, 7, और अचर पद क्या है, 5। तो दोस्तों इसमें अपन ने गुणनखंड तोड़ना सीखे, अपन कर भी लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर ये जो है ये कहलाता है अचर पद, क्या कहलाता है, अचर पद ना हो, जैसे ये अचर पद नहीं है, तो फिर इसके गुणनखंड तोड़ना और सरल हो जाता है। आप बस इसमें से एक्स क्या ले लीजिए, गुणनखंड माने क्या होता है, दो चीजें हो गुणा में, लो वही आ गई, एक्स इंटू 2x + 7, एक्स इज इक्वल टू 0 वैशाली, और 2x + 7 इज इक्वल टू 0। समझ आया? तो अभी अपन ने जो करे वो व्यापक बहुपद थे, अब अपन सरल सरल वाले पढ़ेंगे। तो इसमें क्या नहीं होता है, अचर पद नहीं होता। तो जब अचर पद नहीं होता हमें क्या करना चाहिए, एक्स कॉमन ले लो, टूट गए गुणनखंड, क्या कर लो, एक्स कॉमन ले लो और टूट गए गुणनखंड, बात खत्म। कितना सरल है कि नहीं? तो बच्चों को ये जानकारी नहीं देती, बच्चे सोचते गुणनखंड करना बहुत कठिन, मेन मेथड तो है, पर कल मैंने आपको एक और बता दी, वो आधे आधे करने वाली याद है। तो ऐसे कई बार क्या होता है कि सवाल कुछ ट्रिकी होता है और बहुत सरल होता है, अपन सोचते हैं अब इसमें क्या तोड़े, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, कुछ करना ही नहीं है, मतलब एक्स क्या लेना है, कॉमन लेना है। समझ गए? जब क्या ना हो, अचर पद ना हो, तीन चीज़ें होती है, एक एक्स स्क्वायर गुणांक होता है, एक एक्स का गुणांक होता है, और एक अचर पद। एक और बहुपद देखिए बेटा, इस बहुपद अभी पूरा है, इसमें एक्स स्क्वायर गुणांक भी है, एक्स का गुणांक भी है और अचर पद। समझ लो इसमें एक्स का गुणांक नहीं है, क्या नहीं है, एक्स का गुणांक केवल क्या है, x² - 4 = 0। तो इसकी भी मेथड है। इसमें आपको क्या करना है, 4 को लिखना है 2 का स्क्वायर, क्या लिखना है, फिर a² - b² क्या फॉर्मूला क्या होता है, a² - b² का फॉर्मूला नहीं पता, a + b (a-) पता है कि नहीं पता है, नहीं पता है, तो फिर x + 2 x - 2। समझ आया? लो भैया क्या टूट गए, गुणनखंड टूट गए, समझ गए? तो बहुपद में अब बच्चे बोलेंगे सर वो वाला बहुपद जिसमें एक्स का गुणांक ना हो, एक्स का गुणांक नहीं रहेगा तो फिर वो एक घाती बहुपद बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एक घाती। समझ रहे हो अनुपति, तुम सुनते नहीं हो, तो लोग सोते रहते हो बैठे बैठे। तो अभी हमने देखा कि दो प्रकार के बहुपद और हो सकते हैं, जो व्यापक बहुपद जैसे नहीं रहेंगे, उसमें एक चीज मिसिंग रहेगी, ठीक है। तो अगर अचर पद नहीं है तो आप x कॉमन लेके गुणनखंड तोड़ सकते हैं, और अगर x का गुणांक नहीं है तो फॉर्म लगाकर गुणनखंड तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अपन कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके, जिससे अपन को और क्लियरिटी आए। देखिए सर, पहला सवाल बताइए, दिया गया द्विघाती बहुपद है, पढ़िए। अब बच्चे सोचेंगे इसे कैसे गुणनखंड तोड़े, एक्स क्या ले लो, x - 2, सही है, क्या लिखेंगे, हो गया बात खत्म, सवाल बहुपद की शून्य ज्ञात करने के लिए x * x - 2 = 0, x = 0, x - 2 = 0, x = 0, x = 2। समझ गए? कितना सरल है, नहीं है, लेकिन जानकारी के अभाव को लगेंगे कैसे करेंगे, क्यों मन तो वैसे ही करते आए, तो वो तो दिमाग लगाना पड़ता है ना, समझ में आया कि नहीं आया। इसलिए अपन बुक से नहीं, अपन असाइनमेंट से पढ़ते हैं, असाइनमेंट टाइप देगी कि ऐसे आए तो ऐसे करना, ऐसे आए तो ऐसे करना, ताकि कभी कोई सवाल कठिन ना लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ये पहला क्वेश्चन हो गया,
आप लिखना अच्छे से, दिया गया द्विघाती बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स। इसके गुणनखंड तोड़ने के लिए केवल इसमें से हमें x कॉमन ले लेना है x माइनस, इसके बाद लिखेंगे बहुपद के शून्य ज्ञात। ये लाइन है तो मत लिखना, लिखना अच्छे से ठीक है। क्या करेंगे बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए, x इंटू एक्स माइनस फाइव बराबर क्या रख देंगे जीरो, तो x बराबर जीरो, x बराबर समझ गए है सरल के रहेगा ही रहेगा। अगला बताइए हम एक्स स्क्वायर माइनस, ये तो कर लेंगे, क्या आएगा इसका, क्या आएगा आंसर, हाँ आंसर क्या आएगा, एक्स बराबर एक दो आएंगे, एक्स बराबर जीरो, एक्स बराबर सात, समझो यार क्या आएगा, एक्स बराबर जीरो, एक्स बराबर सात, सही है ना। प्रथमेश नींद आ रही है, अगला पढ़ो x2 4x, वो भी हो जाएगा नहीं हो जाएगा, अगला पढ़ो 4u, हाँ 4u2 + 8। अब बेचारे देखो u तो कॉमन आ नहीं है बेटा, आप चाहो तो साथ में चार कॉमन लो आदित्य, और चाहो तो चार कॉमन ना लो, दोनों ही कंडीशन में आंसर आपका सेम ही आएगा। तो चलिए मैं चार कॉमन ले लेता हूँ और साथ में यू तो लेना ही लेना है, जैसे मैंने बोला था कि एक्स तो लेना लेना है, तो क्या आएगा भाई फिर यहाँ पे बचा यू प्लस टू, सही है। फिर क्या लिखेंगे, बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए 4u (2u+2) = 4u = 0, u + 2 = 0, u = 0/4, समझ आया। और यहाँ पे u बराबर माइनस टू, प्लस के लुकाए गए हुए चार, ये आ गया जीरो और माइनस टू, समझ में आया। अब मान लो प्रथमेश ने चार कॉमन नहीं लिया होता तो आंसर उसका यही आता, यही आता। अगर प्रथमेश ने अकेला क्या कॉमन लिया होता, u 4u² 4, तो क्या बच्चों को रटा रहता है कि सर ने बोला था x कॉमन लेना तो उसमें u कॉमन लेंगे, तो अगर अकेले u कॉमन लोगे तो बच जाएगा यहाँ पे 4u और यहाँ पे 8, तो भी वही आएगा u (4u + 8) = 0, u + 8 = 0, 4u = -8, u = -8 / 2, u = -2, सॉरी 4। यहाँ पे देखिए आंसर दोनों का सेम ही आया है, समझ गए ना, जैसे भी आपको करना हो। तो कुल मिला के जब क्या ना हो, अचर पद ना हो, तो गुणनखंड तोड़ने के लिए हमें चर को क्या लेना है, कॉमन। चर के साथ कोई संख्या आ रही है वो आपको लेना है या नहीं लेना है वो आपकी इच्छा है, सही है। चलिए खुशी ध्यान दो, दिया गया द्विघाती बहुपद है, बताइए क्या लिखा है, x²-4। बच्चों यहाँ पर ये जो बहुपद है इसमें क्या नहीं है, x का गुणांक नहीं है, तो इसके लिए एक सूत्र लग जाता है, मैंने आपको बताया गुणनखंड ढूंढने के लिए। चार को जो x²-4 लिखा है, चार को आप लिख लीजिए 2 का स्क्वायर, क्या लिख लीजिए, जितने भी क्वेश्चन आपके मन में सब आंसर किए जाएंगे। तो मैंने आपको बताया फॉर्मूला कि a²-b² = a + b (a-), बताया ना, तो x²-2² (x + 2) (x - 2), टूट गए गुणनखंड, है ना, कठिन तो नहीं लग रहा है, कठिन है ही नहीं तो कैसे लगेगा, गुणनखंड तोड़ना टफ हो सकता पर ये तो टफ है ही नहीं। फिर अतः हाँ सॉरी बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए (x - 2) = 0, तो (x + 2) = 0, (x - 2) = 0, (x - 2) = 0। जैसे आपने पिछली बार देखा कि जब अचर पद नहीं होता है तो एक आंसर जीरो हमेशा आता है, एक आंसर हमेशा क्या आता है जीरो, वैसे जब x का गुणांक नहीं होता है तो एक आंसर अगर दो आया तो दूसरा माइनस टू ही आएगा, अंदाजा लग जाता है, ऐसा नहीं है। और बताइए बेटा अगला क्या है, कोई सुनना है,
दिया गया द्विघाती बहुपद है x स्क्वायर माइनस 9, यही है ना। 9 को काय का स्क्वायर लिखा जाएगा, शाबाश, 3 का। क्या बना फॉर्मूला, x प्लस 3 एक्स माइनस, तक तो नहीं गए। फिर द्विघाती बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए बराबर में क्या रख देंगे, 0। तो x प्लस 3 बराबर 0, x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर माइनस 3, x बराबर, समझ गए। अब बच्चों के मन में क्या क्वेश्चन है उनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ये बताते हैं आपको। अगला सवाल बताइए क्या लिखा है, x स्क्वायर माइनस 16, 16 को क्या लिखेंगे, हो जाएगा आंसर क्या आएगा, माइनस 4 और प्लस 4। अगला बताओ क्या है, टी स्क्वायर माइनस 25, ये कर लेते हैं अपन चाहो तो, वैसे कर सकते हैं, ऐसे का टी है 25 को लेकिन काय का स्क्वायर 5, हो जाएगा। अगला बताओ, वाई स्क्वायर माइनस 49 को क्या लिखेंगे, 7 का आंसर काय का आएगा, वाई का प्लस का 7 हो। और बताओ, हाँ ये है सिखाने का सवाल, समझना वैशाली। सर हमने इतने सारे सवाल किए हैं, जैसे ये सवाल है, 4 को लिख लिया 2 का स्क्वायर, 9 को लिख लिया 3 का स्क्वायर, हाँ 16 को लिख लिया 4 का स्क्वायर, 25 को 5 का, 49 को 7, लेकिन 3 को काय का स्क्वायर लिखे, सही बात है, जरूरी थोड़ी 4 ही आएगा 9 ही आएगा, 5 आ गया तो क्या कर लोगे, 7 आ गया तो क्या कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं। 3 को आप लिख सकते हैं करनी 3 का स्क्वायर, 16 का 4 का स्क्वायर पता है, 15 का नहीं पता तो उसको लिख देना करनी 15 का स्क्वायर, समझ आया कि नहीं आया। तो फिर क्या आ गया बेटा, x प्लस करनी 3 और x माइनस करनी 3, समझ आया कि नहीं। तो कोई भी सवाल ऐसा नहीं जो आप पे नहीं बनेगा, 9 आ गया तो लिख लेना 3 का स्क्वायर और 7 आ गया तो करनी 7 का, जिसका पता है तो ठीक बनना करनी जिंदाबाद, समझ गए। तो फिर बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए x प्लस करनी 3 इंटू एक्स माइनस करनी 3 बराबर 0, x प्लस करनी 3 बराबर 0, x माइनस करनी 3 बराबर 0, x बराबर माइनस करनी 3, x बराबर 0।